2022 के चुनावों को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हर पार्टी में उम्मीदवार अपने आप को संभावित प्रत्याशी बोलते हुए जनता के सामने आ रहा है। उसी क्रम में 30 विधानसभा बिलारी क्षेत्र से नगला सालार निवासी जोगराज सिंह, जो प्रथमा बैंक से सेवानिर्मित अधिकारी हैं, वे बीजेपी से अपनी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं और क्षेत्र की जनता से काफी लंबे समय से उनके बीच रह रहे हैं। अब देखना है कि क्षेत्र की जनता कितना विश्वास जोगराज सिंह पर दिखाती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम जोगराज सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी 30 बिलारी विधानसभा क्षेत्र से क्षेत्र में मैंने लगभग काफी क्षेत्र में भ्रमित कर चुका हूँ और लोगों का मुझे बहुत ही स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला हुआ है। मुझे ये विश्वास है कि अगर पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं आसानी से उस सीट को निकाल लूँगा। तो क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास ही है, लेकिन मैं मेरा परिवार भी राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है। जैसे पिता गाँव के प्रधान रहे, जिला परिषद अध्यक्ष का भी उन्होंने कार्य किया, तो उन्होंने भी एक विकास और आदर्श गांव बनाया जो पुरस्कृत किया गया। तो उसी आधार पर मेरी अपनी एक अपनी सोच है कि गांव में प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और पंचायती व्यवस्था सुदृढ़ हो और व्यवस्थित हो और गांव का विकास हो। किसानों की कोई समस्या है वो भी हल हो, चूँकि हम कृषक परिवार से जुड़े हुए हैं। यही हमारा आधार रहा है। साधारण परिवार से हम लोग हैं और क्षेत्र में पहचान है। मुख्य रूप से क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुख्य रूप से हमारा मुद्दा यही है, विकास, क्षेत्र का विकास। आने वाले समय में अगर जो भी मौका मिलता है, हमें समाज की सेवाई करनी, समाज में बेहतर सामंजस्य बना रहे, सामाजिक सुधार, और इसी में हमारा विश्वास है। हम विकास ही हमारा मुख्य वो है। क्या आपका योगदान रहा राजनीति के? नहीं, मैं राजनीति में तो सीधा सक्रिय नहीं था, क्योंकि मैं ग्रामीण बैंक में मैंने सेवाएं दी हैं जो किसानों से, ग्रामीणों से ही जुड़ी हुई बैंक है, वो कार्य करती रही। और लेकिन एक राजनीतिक माहौल मुझे मिला है, क्योंकि फादर गांव में 20 वर्ष तक निरंतर प्रधान भी रहे। मुस्लिम बाहुल गाँव है, जबकि वो लोगों का उनको बहुत प्यार विश्वास था। बहुत लोग फिर भी नहीं चाहते थे, उनकी एज ज़्यादा हो गई थी, तब उन्होंने आग्रह करके वो और को अवसर दिया जाए। और जिला परिषद में काम किया, उनकी सेवाएं हैं। यहाँ 3 विद्यालय भी स्थापित किए उन्होंने समाज की सेवा के लिए। तो मैंने तो बैंक में सेवा की है, लेकिन राजनीति तो मैं जानता रहा हूँ। राजनीति मेरे करीब रही है बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं इससे एकदम अनभिज्ञ हूँ। हम तो राजनीति को समाज सेवा मान के चलते हैं, यही हमारा ध्येय है। और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, एक भावना है कि जो भी हमसे संभव है हम सेवा प्रदान करें।